हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप मस्त और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे हेडिंग हो रही है, सिर दुख रहा है, बुखार भी है, मगर क्या करे गाइस, घर का काम कैसा भी हो घर का काम करना पड़ता है। तो मेरे को ना सूट आया स्टिच करने के लिए, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये सूट है मेरे को स्टिच करने के लिए आया है, ये शर्ट है और ये बॉटम है। तो ये शर्ट और सूट, इनकी सलवार सूट है, तो ये मुझे बनाना है गाइस। मगर मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा इसको सिलने का। जब मन ठीक ना हो तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, बुखार की वजह से ऐसा होता है। तो गाइस क्या बताऊँ आपको। और ना गाइस, हमने ना दो प्लांट लगा रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पड़े, ये ना मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, एक मिनट रुको। तो गाइस, ये ना तुलसी का प्लांट है और ये मनी प्लांट है, ये जो मैं बोतल के अंदर। ये गाइस ना दो चार दिन पहले बिल्कुल सूख चुका था, इसमें पानी नहीं डाला था, ये ऊपर पड़े थे इनकी छत पर, तो इनमें ना पानी नहीं डाला था, तो दो तीन दिन में छत पर चढ़ी नहीं, उसकी वजह से ये सूख गया। आज मैंने हस्बैंड को बोला कि आप तुलसी का पौधा नीचे लाओ और उसमें पानी डाल दो। जब इन्होंने पौधे में पानी डाला ना, ये देखो ये फिर से हरा भरा हो गया, देख रहे हो आप। ये ना हमने कूलर के ऊपर ही रख दिया, तो ये फिर से हरा भरा हो गया, क्योंकि तुलसी जी की हम पूजा करते हैं तो इसकी केयर भी करनी पड़ती है। और ये हमारा मनी प्लांट का पौधा है जो हमने लगा रखा है। तो गाइस, अब ना हम ऊपर की ओर चलते हैं। मैंने ना कपड़े वॉश किए थे, वो लेकर आने हैं, ऊपर छत पर सूखने डाले हैं, मैंने धोए थे कपड़े और ऊपर हमने कलर करवाया है, तो इसलिए गाइस ऊपर बहुत खिलारा पड़ा हुआ है। जब तक हमने ना फैन लगवाना है, फैन वाला नहीं आएगा तब तक ये खिलारा ऐसे ही पड़े रहेगा। यहाँ पर ये सारा ऐसे खिलरा पड़ा है सामान गाइज, आपको बैक कैमरे से दिखा। तो ये बेड है, इसके ऊपर बेडशीट नहीं बिछाई है मैंने, ये देखिए ये सारा ऐसे पड़ा है, आप देख रहे हो ना, ये खिलारा ऐसे पड़ा है। ये बेड जो सोफ़ा है ना, यहाँ लगाने वाला है। और जब तक गाइज हमारा यहाँ फैन लगना है, यहाँ पर यहाँ फैन लगवाना है, इस जगह है। जब तक ये फैन वाला आता नहीं ना गाइस, तब तक सफाई नहीं हो पाएगी, और मेरे को घर में खिलारा अच्छा नहीं लगता। भले ही मैं बीमार हूँ मगर मैं घर साफ रखती हूँ हमेशा, तो मैं ना कपड़े उठाने आई हूँ क्योंकि कपड़े सूख चुके हैं। तो सूखे हुए कपड़ों को ना गाइस मैं यहाँ कुर्सी पे रख देती हूँ। हाउसवाइफ जो होती है ना, उनको यही काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन। उसके अलावा मैं ब्यूटीशियन का काम भी करती हूँ, मगर घर पे करती हूँ ना तो इतनी इनकम नहीं हो पाती। घर पे तो ऐसा सोचते हैं लोग, ये घर पे काम करती है इसको क्या काम आता होगा, मगर ऐसी बात नहीं है। काम तो अच्छा कर लेती हूँ, मगर हस्बैंड जो है ना बाहर शॉप करने नहीं देते, और जितना भी होता है काम चलो ठीक है, गुजारा चल जा रहा है। और क्या बताऊँ गाइस, धूप पूरी तेज थी, तो आज मैंने ना कपड़ों को यानी कि ड्रायर नहीं किया था, बिना ड्रायर के कपड़े मैंने, ये पैंट जो है ना गीली रह गई है क्योंकि इसको ड्रायर नहीं किया था ना, बिना ड्रायर के आज कपड़े डाल दिए थे। तो जब मूड नहीं हो ना किसी काम का और बीमार हो आप, कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। एक मिनट रुकिए गाइस। तो गाइस, मैंने कपड़े उठाकर चेयर पर रख दिए हैं, मैं यहाँ से अभी नहीं उठाऊँगी कपड़े, बाद में उठाकर लेके जाऊंगी, कि फिलहाल मैंने इकट्ठे करके रख दिए। तो गाइस, आप बोलते रहते हो कि अपना घर दिखाओ अपना घर दिखाओ, मैंने घर के ब्लॉग बना रखे हैं पहले भी, मगर कोई बात नहीं, फिर भी मैं ना जिस दिन पूरा साफ हो गया, रूम क्लीन हो गया ना, मैं उस दिन घर के वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए बाय बाय गाइस।